हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अज़र और आपका वेलकम है टेक रिव्यू 360 पर। बोट की तरफ से रिसेंटली लॉन्च स्मार्ट बड फीचर के साथ आने वाला बोट का 355 ब्लूटूथ ईयरफोन की अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू करने वाला हूं। इस ईयरफोन को मैं लास्ट 8 दिन से यूज़ भी कर रहा हूं, तो इस वीडियो में उसका डिटेल रिव्यू करने के साथ, इसका साउंड टेस्ट, माइक टेस्ट करने के साथ, इसका बैटरी बैकअप और अपना गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और अगर आप इस ईयरफोन को बाय करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि 1500 रुपये खर्च करके आपको ये ईयरफोन लेना चाहिए या नहीं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलती रहे। बोट 355 ईयरफोन अच्छी बॉक्स पैकेजिंग के साथ आता है और जो बॉक्स है कुछ इस टाइप से हमको मिलने वाला है। बॉक्स पर आपको बोट की ब्रांडिंग मिल जाती है, इसके साथ ही जो ईयरफोन का मॉडल नेम है 355 यहाँ पर मेंशन किया गया है और बॉक्स के पीछे कुछ फीचर्स को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। अनबॉक्स करने के बाद बॉक्स के अंदर आपको जो ईयरफोन है वो मिल जाता है। बोट 355 ईयरफोन अभी सिंगल कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। बॉक्स के अंदर ही आपको 1 ईयर वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल और गूगल का फास्ट पेयर कार्ड, इसके साथ में एक थैंक यू कार्ड मिल जाता है। इसके अलावा बॉक्स के अंदर आपको एक्स्ट्रा के ईयर टिप्स और एक ईयर हुक मिल जाता है, आप अपने कानों के साइज के अकॉर्डिंग उन्हें लगा सकते हैं। बॉक्स के अंदर ही आपको चार्जिंग के लिए टाइप सी केबल मिल जाता है, जिसकी लेंथ छोटी जरूर है लेकिन जो क्वालिटी आपको मिलने वाली है वो बहुत बढ़िया है। और जो प्राइस है वो आपको ऑफर में 1500 रुपये के आसपास देखने मिलती है। इस ईयरफोन में आपको 1 साल की वारंटी भी मिल जाती है। बोट 355 ईयरफोन अच्छी बिल्ड क्वालिटी और प्रीमियम लुक डिज़ाइन के साथ आता है। जो ईयरबड्स हैं आपको मेटल के देखने मिलते हैं, साथ में जो ईयरबड्स हैं वो लाइट वेट और थोड़े स्मॉल साइज़ है। इसके साथ ही जो एक्स्ट्रा के ईयर टिप्स है और ईयर हुक है आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। जो ग्रिल है वो आपको मेटल की देखने मिलती है, इसके साथ ही जो ईयरबड्स के जो मैग्नेट हैं वो भी अच्छा काम करते हैं। जो वायर है वो आपको रबराइज देखने मिलता है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ज़्यादा रफ यूज़ करने पर भी उसमें जल्दी कट नहीं लगेगी। जो नेक बैंड है वो सिलिकॉन का यूज़ किया गया है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत सुपर है और यहाँ पर बोट की तारीफ बनती है कि उसने कोई भी बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो उसका नेक बैंड है उसे मैं तोड़ मरोड़ रहा हूँ फिर भी उसमें कहीं क्रैक नहीं बन रहे। इस ईयरफोन में आप कहीं नाराज़ हो सकते हैं तो उसकी प्लास्टिक बिल्ड को देखकर, प्लास्टिक की जगह अगर मेटल को यूज़ करते तो और बेटर होता। ईयरफोन में आपको 4 बटन मिल जाते हैं, जिसमें से पहला बटन है पावर बटन या क्विक स्विच बटन, जिसका यूज़ करके आप ईयरफोन को ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा ड्यूल पेयरिंग में इस बटन का यूज़ करके आप डिवाइस को स्विच कर सकते हैं। दूसरे बटन का यूज़ करके आप वॉल्यूम को डाउन कर सकते हैं। तीसरा बटन है मल्टी फंक्शन बटन और चौथा और आखिरी बटन का यूज़ करके आप वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और जो माइक है वो कॉल नॉइज आइसोलेशन फीचर के साथ आता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो ईयरफोन में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है, जो आपके स्मार्टफोन से बहुत क्विक कनेक्ट हो जाता है और आपको कनेक्टिविटी में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। तो ईयरफोन को स्मार्टफोन से कनेक्ट करके देख लेते हैं। और इस ईयरफोन में आपको गूगल फास्ट पेयर का सपोर्ट भी दिया गया है। इस ईयरफोन के स्मार्ट बड फीचर की बात करूं तो आप अपने ईयरबड से डायरेक्ट इस ईयरफोन को ऑन ऑफ नहीं कर सकते। ईयरफोन को ऑन ऑफ करने के लिए आपको अपने पावर बटन का यूज़ करना होगा। और जो ये फीचर है ये स्लीप मोड के टाइप का काम करता है। जैसे हम अपने पीसी में जो स्लीप मोड देखते हैं आप उस टाइप से इस स्लीप मोड को समझ सकते हैं। तो पर्सनली मुझे जो ये फीचर है इतना यूज़फुल नहीं लगा। बोट 355 ईयरफोन के फीचर्स की बात कर लेते हैं तो इस ईयरफोन में आपको कॉलकॉम APTX SD का सपोर्ट मिल जाता है। अगर आपका स्मार्टफोन भी कॉलकॉम APTX SD को सपोर्ट करता है तो इस ईयरफोन से आपको बहुत कमाल का साउंड मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप ईयरफोन के मल्टी फंक्शन बटन को 3 बार प्रेस करते हैं तो लास्ट कॉल को रिडायल कर सकते हैं। और इसी मल्टी फंक्शन बटन को अगर आप 2 सेकंड तक होल्ड करके रखते हैं तो वॉइस असिस्टेंट को ऑन कर सकते हैं। इस ईयरफोन में आपको ड्यूल पेयरिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, जिसमें आप इस ईयरफोन को एक साथ 2 स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं और क्विक स्विच बटन का यूज़ करके आप डिवाइस को स्विच भी कर सकते हैं। इस ईयरफोन में आपको IP66 की रेटिंग देखने मिलती है, जिसका मतलब है कि बोट का ये ईयरफोन वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट है।
बोट 355 ईयरफोन में आपको कॉल नॉइज़ आइसोलेशन के लिए कॉलकॉम CVC 8.0 का सपोर्ट मिल जाता है। तो इसका माइक टेस्ट कर लेते हैं कि कॉल के समय आपके पास सामने वाले को किस तरह की मिलने वाली है। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये बोट के 355 ईयरफोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, तो उससे भी आप जज कर सकते हो, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी आवाज़ कॉल के समय सामने वाले को किस तरह की मिलने वाली है। कंफर्ट की बात करूं तो इस ईयरफोन के जो ईयरबड्स हैं थोड़े स्मॉल साइज़ आते हैं, जिसके कारण वो आपके कानों में सिक्योरली फिट रहते हैं और जल्दी कानों से स्लिप नहीं होते और आप कंफर्ट फील करोगे और लॉन्ग टाइम तक इस ईयरफोन को आप अपने कानों में यूज़ कर सकते हो। कंफर्ट के बाद ईयरफोन के साउंड क्वालिटी को चेक कर लेते हैं। बोट 355 ईयरफोन के साउंड क्वालिटी की बात करूं तो इस ईयरफोन में 12 mm के ग्राफिन ड्राइवर का यूज़ किया गया है। जो साउंड क्वालिटी आपको मिलने वाली है बहुत बैलेंस मिलने वाली है। जो बेस है आपको बहुत हाई नहीं मिलेगा, एकदम बैलेंस मिलेगा। जो ट्रेबल है वो भी आपको थोड़े से लाउड मिलेंगे, वोकल्स भी क्लियर है। जो बैकग्राउंड में इंस्ट्रूमेंटल के साउंड आते हैं वो भी क्लियर मिलने वाले हैं आपको। अगर आप हाई और क्रिस्प बेस सुनना पसंद करते हैं तो इस ईयरफोन का जो बेस है आपको पसंद नहीं आएगा। आप किसी भी टाइप्स के सॉन्ग्स क्यों ना सुनते हो, इस ईयरफोन में हर सॉन्ग्स के जो नोट्स है आपको क्लियरली सुनाई देंगे। अगर आप म्यूजिक सुनने के लिए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऐप्स का यूज़ करते हो उसमें भी आपको बढ़िया साउंड क्वालिटी मिल जाती है। बोट के इस ईयरफोन का लेटेंसी टेस्ट कर लेते हैं। बोट के इस ईयरफोन में आपको कोई भी अलग से गेमिंग मोड नहीं मिलता। गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इस ईयरफोन से मैंने COD मोबाइल और BGMI गेम भी खेला हूँ और इस ईयरफोन में आपको किसी भी तरीके का गेमिंग मोड नहीं मिलता। तो आपको जो साउंड मिलता है थोड़ा डिले होके मिलता है और आपको जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो बहुत अच्छा नहीं होगा इस ईयरफोन से। बोट के 355 ईयरफोन में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, जिसको चार्ज करने के लिए मैंने 10 वॉट के चार्जर और बॉक्स केबल का ही यूज़ किया हूँ। इस ईयरफोन को फुल चार्ज होने में अराउंड 42 मिनट्स का समय लग गया। फुल चार्ज होने के बाद जो बैटरी बैकअप मुझे मिला है वो 14 घंटे के आसपास है और इस ईयरफोन को मैं 60-70% के वॉल्यूम पर ही सुन रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि जो आपको बैटरी बैकअप मिलने वाला है वो ठीक ठाक ही मिल जाता है। बात कर लेते हैं कि 1500 रुपये खर्च करके आपको ये ईयरफोन लेना चाहिए या नहीं। अगर आप एक बोट का ईयरफोन लेने की सोच रहे हो जो स्मार्ट बड फीचर के साथ आता हो, जिसके बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो, तो नो डाउट आपको ये ईयरफोन लेना चाहिए। लेकिन अगर आप 300-400 रुपये और खर्चा कर सकते हैं, यानी 1800-1900 रुपये आपका बजट रहा, तो इससे अच्छे ईयरफोन मिल जाएंगे जिनका बैटरी बैकअप और गेमिंग मूड के साथ आते हैं। वो एंड करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें और सपोर्ट करने के लिए सिर्फ लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलते रहे। साथ में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।